ठीक है भाई, हम यहाँ आ गए और बहुत सारी फाइल्स ओपन है भाई, ये वन बाय वन बंद करूँ मैं। वीएस कोड ओपन कर लूँ, ये यहाँ और इसके बाद ये आउटपुट, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा, कल हमने वाइल और डू वाइल लूप देखा था, ऐसा ही था, वाइल एंड डू वाइल लूप हमने देखा था, इसको कब देखा था। अच्छा, कल की वीडियो अपलोड कर दी थी ना मैंने ग्रुप में, शायद सेंड नहीं किया मैंने लिंक, लेकिन अपलोड कर दी थी मैंने। अच्छा भाई, ये तो हो गया, हमने ये कवर अप करनी थी ये, और हम देखते हैं यहाँ तक नीचे तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कि कॉल ऑप्शन कैसे काम कर रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर एक फंक्शन के अंदर जब पैरामीटर पास करते हैं ना, क्या पास कर रहे होते हैं हम लोग, पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो चीज क्या, फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा वो चीज क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी। अगर फंक्शन के अंदर मैं कोई फंक्शन लिख दूं तो वो क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन के अंदर की फंक्शन का मतलब क्या, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ये नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक मैथ का फंक्शन है, उसको रन किया, वो रन हो गया, उसके अंदर वाले कुछ फंक्शन है, अब वो चलना शुरू होंगे, तो ये अलग चीज है। लेकिन कॉल क्या, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना, यहां गूगल पे और लिखता हूं कॉल बैक फंक्शन जेएस, जावा स्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन, ये आपको बता देगा। एक दूसरे फंक्शन को कैसे पास एज अ आर्ग्यूमेंट, अब तक हमने आर्ग्यूमेंट क्या, हमें एक चीज पढ़ी है ना, जब एक फंक्शन बनाते हैं बिल्फर्ड मेथड, ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिख दिया, अब ए और बी क्या है, पैरामीटर। अब फंक्शन के दोनों ब्रैकेट, उनके अंदर वैल्यू पास करूंगा, लिखूंगा, अब ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू 20, ये हमने देखा था। यही चीज यहां पर समझनी है। अगर एग्जांपल दूं तो फंक्शन बी, और यहां दो रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न कर देगा, ये ए प्लस बी, ठीक है। अब ये इस फंक्शन को डॉक्यूमेंट में ऐड, तो ए 10 5, अब क्या क्या रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ जाएगा 15 डॉक्यूमेंट पे प्रिंट हुआ हुआ। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, यहां तो कोई मसला तो नहीं है, ये कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। अब अच्छा, ये बन गया कैसे, ये फंक्शन कैसे कॉल बैक, ये फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर कॉल, किस फंक्शन में, चीज क्या इसका मतलब, तो उसके है कितने, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है ये, आप स्ट्रिंग लिख दो जो भी लिखना है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी तो पास कर सकता हूं मैं, तो जो उतने आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास कर दो। अभी मैंने एक हेलो, ठीक है, एम ये, अब और उसके अंदर भी दो पास हो रहे हैं, बात समझे, अब क्लियर हुई, ऐसे हम इस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे फंक्शन, अगर मैं दूं ऐड को, चलो मुझे ये बताओ कुछ भी नहीं आया, पूरा उठ के आ जाएगा, समझे क्या, पूरा फंक्शन उठकर, जैसे ही मैंने ये चीज पास की वो पूरा फंक्शन दे देगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन पास करना, क्या करना, इनवॉल्व को कॉल करना।
अब ये फंक्शन कॉल किया, बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा 9:30 हो गए, बैठो, क्लास दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज तो समझ गए। की एक एग्जांपल देखते हैं, इसने ये बना और आगे देखते हैं, और कोई नंबर में हो डिस्प्ले, चलो ये देखते हैं। हाँ, इस चीज को जरा सा आपने समझना है, इस चीज पर ये जाना कंसोल डॉट लॉग पे बना दो। इसने हाँ एक वो ये बना दिया, इसने बनाया होगी वो सम के बराबर, क्लियर? अब इसने रिजल्ट करवाया, सम में इसने ये रिजल्ट दिखा दिया, सम में क्या दिखा, ये रिजल्ट दिखा दिया। अब इस चीज को हम मानते हैं और वन बाय वन यहां पर बनाते हैं, कैसे इसको समझते हैं। सबसे एक फंक्शन, इस फंक्शन का इसका डिस्प्ले कराएगा, डिस्प्ले डिस्प्ले मैं बोल लेता हूं शो, शो बोल सकता हूं, या फंक्शन का काम जो है वो डिस्प्ले कराना है, तो ये हमें रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। आर्ग्यूमेंट क्या, रिजल्ट प्ले जो है वो यहां पर डिस्प्ले कराएगा जो भी रिजल्ट आएगा। अंदर रिजल्ट प्रिंट करा देता हूं, ओके। अगर डिस अच्छा डिप्लेस कर दिया, डिप्सले कर दिया, डिस्प्ले, तो यहां आ जाते हैं और लिखते हैं डिस प्ले फंक्शन में, मैं लिख दूं हेलो, हेलो सेव करूं क्या, रिजल्ट में हेलो आ जाएगा, क्योंकि यहां प्रिंट हो गया। समझ गए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं, इससे एक पॉइंट आगे की तरफ चलते हैं। ये फंक्शन नंबर कॉमा नंबर नंबर टू, नम टू कंसोल पे, ये सिर्फ रिटर्न उसको मैं नाम दे देता हूं शो, ये शो कराएगा, ठीक है, शो कराने का काम है। उसके कॉमा 5, अब सुनो गौर से इस बात को, इसके अंदर जो वैल्यू है प्लस होके रिटर्न होके यहां आ रहा है, यानी कि 15 और यहां उनके इधर ये आ गया 15, तो यहां डिस्प्ले को डिस्प्ले ये डिस्प्ले मैं इस शो रिजल्ट को शो करा देता हूं, रिजल्ट को, अब जब और यहां 15 यहां पे नजर आएगा, क्लियर? फंक्शन यूज करेंगे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मेथड्स में हम ये चीज क्या करेंगे, यूज करेंगे। बेटा समझ आ गया?
क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, ये जो के तौर पे आ रहा है एज अ फंक्शन, अब मैं इस पे यहां क्या पास करूं? देखो इसमें ये था, मैं रिजल्ट 10.5, तब भी वही रिजल्ट है। अब डॉक्यूमेंट और ये, यही चीज मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन के अंदर ये है, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले खुद एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन हो गया। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास होता है तो वो क्या कहलाता है? कॉल बैक फंक्शन। अब ये काम हम आगे एरे के मेथड्स देखेंगे, फिल्टर का मेथड देखेंगे, मैपिंग का मेथड देखेंगे, फिर उसके अंदर। तो आप एक फंक्शन के अंदर अपनी मर्जी का फंक्शन बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? कॉल फंक्शन कहते हैं। इसलिए समझाया, वरना ये काम कभी भी नहीं करते हो। ये जो यहां दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, वो काम इसी चीज में करते हैं जो होता है, समझे? गुड हो गया, ये तो हम कॉल बैक फंक्शन देखा हमने। अच्छा, ये जैसे मैंने लिख दिया ना, आपको कोडिंग चाहिए होते, आप देख रहे होते हो वीडियो वगैरह में, आप देखते हो यार इतना लंबा कौन लिखे, मैंने टूल बताया ब्लैक बॉक्स नाम का एक, ठीक है? तो आप जब वीडियो देख रहे हो कभी मेरे पास, इसमें यूट्यूब पर मेरी ही वीडियो देख रहे हो, आपने बोला यार ये सर ने कोड लिखा है, मेरी क्या गलती है, आपको पहचानने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप ब्लैक बॉक्स नाम की वो जो एप्लीकेशन है उसके पास, सॉरी एक्सटेंशन है, उसको अपने पास ऐड कर लो, मेरी वीडियो देखते हुए स्टॉप करो, एक्सटेंशन से उस कोड को सिलेक्ट करो, वो कॉपी हो जाएगा, उसको पेस्ट कर दो, अपने पास चल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जैसे कोड चल रहा है। तो वीडियो कोड निकालने के लिए ब्लैक बॉक्स नाम की ये जो एक्सटेंशन है वो यूज होगी, तो ईजी रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके या देख के लिखना बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमने कॉल बैक फंक्शन देख लिया, गुड हो गया, ये बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। फंक्शन विद टाइम दिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है? अब रिटर्न, ये रिटर्न भी बता चुका हूं, रिटर्न नहीं एक था ये एरो फंक्शन, ठीक है? एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन क्या है? ये कुछ भी नहीं है, एक नया तरीका फंक्शन को लिखने का। ES6 में फंक्शन एरो फंक्शन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, यूज इन ES6। ये जो ES6 मतलब स्केमा 6 है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के वर्जन है, ES1 से लेके आगे चल रहे हैं, अब काफी आगे तक चला गया वर्जन इसका। तो ये अपडेशन आती रहती है, अपडेट होता रहता है ये चीज, एडवांस ये चीजों को, तो इसमें यूज करवा कुछ काम नहीं है सिवाय एक चीज के, फंक्शन सिंटैक्स, छोटा लिखने में हमें मदद कर रहा होता है। एक फंक्शन का देखो कितना छोटा सा, जो मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी वाला, ये वाला होता है, एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर हो जाते हैं, मतलब कॉल बैक फंक्शन करके उसके बाद, सॉरी ये चीज दी है, ये इसके अंदर पैरामीटर वेरिएबल फंक्शन का निशान या कॉमा ए बी और रिक्वेस्ट टू, ये लगा देता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, खत्म। अब मैं डॉट राइट के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूँ 10.5, तो रिजल्ट में क्या आएगा? एक मिनट, सेमी कॉलन यार, ठीक है 50 आ जाएगा। ये बहुत सिंटैक्स हो गया, ये क्या आपके लिए रिटर्न का काम भी हो रही है भी। यहां आ जाते हैं, बिफोर करते थे लिखते देखो फंक्शन का नाम, ठीक है सिंपल, और इस तरीके से आप रिटर्न। अच्छा ये तालियां होनी चाहिए। अच्छा ये बहुत सारी, ये असल में एरो फंक्शन यूज करते हैं हम ज्यादा सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए? सिंगल लाइन, जब एक छोटी थी फंक्शन के अंदर ऐसे कर लो सिंपल, ठीक है? जैसे मैं बता
एक फंक्शन बना ये किया इज इक्वल टू ये दबा दो बस, जो आप ए प्लस बी प्लस फाइव जो भी आपने ऐड कराना है ए प्लस बी, अब ए कॉमा बी, वरना ए बी की वैल्यू दे दो जस्ट यहाँ पे चल जाएगा, बस ये सिंगल लाइन के अंदर हो जाता है। तो ये इस वजह से इंट्रोड्यूस करा ऐसी थी जहां पर हमें प्रॉब्लम होती थी, और ऐसी एक सीखी थी बताओ वो भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुई थी, मैंने आपको बताया था टर्नरी ऑपरेटर याद है, कंडीशन एक सिंगल कंडीशन के लिए था ए बर उसके बाद ट्रू और फॉल्स, ये बताया था ना टर्नरी ऑपरेटर, ये हो गया ठीक है ए प्लस बी। और इसको मैं प्रिंट ही करा देता हूँ यार, एक फंक्शन है तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ। इसको कैसे स्टोर कराया था मैंने याद नहीं आ रहा मुझे, ये और आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एग्जैक्टली यही था, एक मिनट यहाँ तो इसको तो हटा देता हूँ पहले मैं, और नहीं मैंने कोई चीज़ गलत की है, यहाँ आते हैं टर्नरी ऑपरेटर का भी। अच्छा ये देख लो ES6 के बारे में सारा बता रहा है, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर क्या गलत लिखा है बता देगा। अच्छा ये इसमें भी बता रहा है, हम इधर आ जाते हैं W3 पर ही आता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल्स पे, ये ES6 के अंदर ये भी लॉन्च हुआ था जो हमने देखा कंडीशन, हाँ एक्सप्रेशन उसके बाद जो भी पूरा एक ये हो जाए, इसने आगे क्या किया ये काम कर दिया, सिंपल सा एक सिंपल सा साइंटेक्स दे दिया आपको भाई, ये हो तो ये करो अदरवाइज ये करो ठीक है। हम आ जाते हैं यहां पर और मैं लिख देता हूं लेट ए और ये इसको भी हटा देता हूँ, और अच्छा इसमें एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है कैसे प्रिंट करवाया था मैंने, ऑथेंटिकेशन हो गई लेट इफ वाली कंडीशन में ऑथेंटिकेटेड, ये रिजल्ट आया या फिर ये, अच्छा प्रिंट में यहाँ ये नहीं करवाया ना, ट्रू या फॉल्स तो दे दिए, यहाँ अगर मैं ऐसे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहीं पर प्रिंट नहीं करवाया ना ट्रू, और यहाँ पर लिख देता हूँ बिलफर डॉक्यूमेंट पर करा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख देता हूँ FALSE फॉल्स, ठीक है ये मैं ऐसे फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, और लेट किया हुआ था लेट ए कंडीशन है, चलो मैं लिख देता हूँ ए बराबर है 10 के बी बराबर है 5 के, सेव करते हैं यहाँ आते हैं फॉल्स, ठीक है भाई ये आ गया डायरेक्ट कंडीशन, सॉरी वो ये था कि मैंने समझ लो इफ एल्स तो लगा मैंने ये कर दिया था इफ और ये और डायरेक्ट लिख दिया समझ लो ट्रू, और दूसरा वाला एल्स के अंदर ऐसे कर दिया एल्स और लिख दिया फॉल्स पे दिया था ठीक है, और कंडीशन ये थी ए बराबर है बी के, अब वो लेकिन ये आएगा कहाँ तो मैंने ये लगाया नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये कंडीशंस कहीं पर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट इफ एल्स ही यूज करोगे, तो इसमें जहां सिंगल क्योंकि बहुत सारी जगह सिंगल चीजें यूज करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा आपने क्या लिख लिया एक और टर्नरी ऑपरेटर तो आपने पहले देखा हुआ, चलते हैं इवेंट्स हैं हमारे पास ठीक है, एक इवेंट्स है हमारे पास इवेंट देख लेते हैं, इससे पहले कुछ चीज़ें हैं ये मेथड थे ये देख लिए फ्रॉम करेक्टर कोड वगैरह कॉन्केटिनेट देख लिया ठीक है, स्प्लिट देखा नहीं है
देख लिए सारे स्प्लिट, किस किसने पढ़ा स्प्लिट मेथड, सॉरी स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड, स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड जावास्क्रिप्ट, ऐसे लिखो यहां पर आ जाओ, आपको ये बना बनाया स्ट्रिंग का मेथड दे देगा, स्प्लिटिंग का मेथड ले आओ। स्ट्रिंग है, आपने बीच में स्पेस दे दी, अच्छा ये है खाली छोड़ दिया इसने, एक मिनट, माय एरे, माय एरे के बाद टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और ये लगा दिया इसने, मैं आता हूँ यहाँ डाल देता हूँ प्लस और रन, वन सेकेंड, स्प्लिट क्या था यहाँ, क्या आर्ग्यूमेंट लेता है याद नहीं आ रहा, बैक पे आते हैं, बैक पे ही देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट लेता था, स्प्लिट द वर्ड्स, वर्ड स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा जितने आप तोड़ो, हाँ माय एरे वन तो वन से स्प्लिट कर रहा है, थ्री हाँ थ्री से स्प्लिट कर रहा है, फोर, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। स्प्लिट मेथड, स्प्लिट इज अ स्ट्रिंग मेथड एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स, द स्प्लिट मेथड रिटर्न्स न्यू एरे, द स्प्लिट मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है, और ये तीन इससे मिलते जुलते हैं। यहाँ आते हैं हम स्ट्रिंग का मेथड देखते हैं, लेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मत लिखना है, स्ट्रिंग लिख दो बेशक, एस टी एन जी स्ट्रिंग बराबर, और लिख देता हूँ दिस इज क्लास ऑफ जावा एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज क्लास ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अब ये क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है, मैं आता हूँ यहाँ पे लेट और ले लेता हूँ रिजल्ट कर दूंगा स्प्लिटेड, स्प्लिटेड का रिजल्ट है तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट ब्रैकेट ऑफ किया स्प्लिट, क्या लिमिट लिमिटेड नंबर, स्ट्रिंग बता अंदर क्या बता लिमिटेड नंबर, मैं लिख देता हूँ हेलो और नहीं प्लस और कॉमा you to limit the number of element returned to the array one, let me check the result, और कहाँ print करवाया मैंने इसको, अच्छा print नहीं करवाया, तो यहाँ आता है document dot write और यहाँ पर result मैं आता हूँ print करवा देता हूँ, spring this is javascript, this is class of javascript 3, दो आर्ग्यूमेंट लेता है भाई ये, तो स्प्लिट हो गया थ्री, अच्छा वन से कर देता हूँ स्प्लिट, ठीक है ज़ीरो से कर देता हूँ स्प्लिट, ज़ीरो वन टू, अच्छा ये वर्ड दे रहा है थ्री, और एक मिनट ये कर लेता हूँ यहाँ स्पेसिंग, ठीक है भाई समझ आ गया भाई, ज़ीरो वन टू ज़ीरो पे ये है, वन पर ठीक है, ठीक है भैया आते हैं यहाँ पे स्प्लिट, लेटर के हिसाब से कि हर लेटर में गैप देता है, नहीं भाई हर मैंने यानी कि एक बन गए, अगर दो वर्ड्स बन गए दो जितना टोटल एक दो चार, अच्छा स्प्लिट कर एक करता है क्या एड, वो स्प्लिट आपका स्ट्रिंग वो क्या क्या कर देगा उसको तोड़ देगा, कितने वर्ड 10 वर्ड, बिल फर्ज में एक वो बना देता हूँ, एक इनपुट है या कहीं पर यूजर का हिस्सा कटा होता है, उसने 20 वर्ड लिख दो मिस हो जाएंगे, तो वहां स्प्लिटिंग का इसने, और ये और ये क्या
अगर खा तो दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास है, लेकिन थ्री तीन वर्ड ही देगा। अब ये है चीज के बारे में, इस चीज को प्रिंट करा दो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट रा यहां पर तोड़ो, मैं बोलता हूं स्पेस से तोड़ दो, ठीक है। कितना थ्री वर्ड फोर वर्ड फाइव वर्ड कितने, मैं बोलता था बिलफर से तोड़ दो, टू से तोड़ दो। अब क्या अच्छा ये ऊपर वाले का आ रहे हैं, ये जो हिस्सा है ना जावास्क्रिप्ट वाला, मैं इसमें डाल देता हूं थोड़ा सा बी आर। अब ऊपर रहा है, लेकिन यहां इज अच्छा कोई बच्चा ये बता दे ये ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ नहीं, ये बता सोचो ऐसी कौन सी चीज थी जिसको हम प्रिंट करा, एरे ही बोल दिया एरे, एरे। ये यही चीज यहां रिटर्न एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स, वो जो मैं किस कुछ भी नहीं दिखाना, अगर खाली दे दूं जीरो तो पूरा कर सकते हो, मैं लिख दूं जीरो जीरो जगह टूट जाएगा इसमें, जीरो मैं टू से ब्रेक कर देता हूं भाई, ठीक है तो जीरो ब्रेक हो गया, थ्री तो बस थ्री वर्ड्स तक ये दिखाएगा। अब हजार लेकिन इसने क्या, अरे ये ऊपर वाले में लिख दिया, अच्छा ये इसका शो कर रहा है ये बी आर वाला, या इतना ही है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं ताकि ये बार बार कंफ्यूज करेगा। ये अब ऊपर तीन ही शो होने, अब वही बात में जितना ये काम रिजल्ट क्या देता है, हाँ समझ गए बात, क्या दे करो इसको प्रॉम्प्ट लगा दो भाई, यहां पर इसकी जगह और बोल दो एंटर कुछ भी कुछ भी, ठीक है आप एंटर कुछ भी कर दो और एक स्ट्रिंग पास सेव करो। शहजादी शहबाज क्या नाम है इसका, अरे जवाब तो शादेब कौन है, जवाब गुड बॉय बॉय ओके जवाब वो प्रिंट नहीं करवाया बॉय तो वो बेचारा भी कंफ्यूज है, उसने कहा यार ही बेहतर है, अच्छा ठीक है समझ नहीं, एरे की वजह से है, अगर मैं यहां पर दे रहा हूं बिलफट अगर मैं ऐसे करूं अभी जीरो तो कुछ आएगा, ये जिसमें स्टोर चल रहा होगा। अब एक काम इसको एक इस चीज को उठाता हूं कट करता हूं यहां लाता हूं रिजल्ट लेट सॉरी लेट रिजल्ट बराबर और ये अब ठीक रिजल्ट, अब मैं रिजल्ट प्रिंट कराता था रिजल्ट को नहीं, यहां आता हूं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे भी क्या होता है एक ऑब्जेक्ट जीरो देखो दिस इज जवाब हेयर
ठीक है। अच्छा मैंने टाइप ऑफ प्रिंट कराया यार, और अच्छा ये भी बता दिया इसने कि इंडेक्स स्ट्रिंग लिखा है, इसलिए इसने वहां पे क्या दिखाया, स्ट्रिंग दिखाया के अंदर, यानी कि इसने बताया ये जो कुछ ऐसा ही है। सेव किया, यहां आता हूं। इस जवाब सिर्फ दिस आया, बाकी सब चला गया। अगर सेव करूं और लिखूं दिस इज हसनैन हेयर, अब क्या सिर्फ आई आएगा। ठीक है समझ आ क्या, ये स्प्लिट का ये न्यू एरर रिजल्ट बन गया। ठीक है इस एरर ये देते, अच्छा यहां और देते हैं पास, मैं लिख देता हूं ई से जरा। अबे यार एक एक तो ये प्रॉम्प्ट जो है ना दिमाग खराब करता है, यहां ये लेने देते हैं कुछ भी। ये क्या हो गया, स्प्लिट कर दिया इसने, क्या कर दिया तोड़ दे रहे। तो ये बताना है जब तो अनडिफाइंड भाई ये वहां से तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा, कराता हूं। इसने पूरा रिजल्ट, इसने कहा ये कैसे करो, ठीक है अब कुछ भी अलग और ये अलग, तो जहां प्लस से वहां से क्या करेगा तोड़ देगा। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, इजी है। अच्छा अभी क्या स्प्लिट देगा, आ जाओ इसको देखते हैं। स्लाइस मेथड, ये तीन चार करता हूं, स्लाइस वो देखो हम लोग डबल रोटी खाते तो ऊपर का पीस हटा बिल्कुल नीचे वाला, हालांकि वो बड़ा मजे का पीस होता है, उसको ऐसे फोल्ड करो चाय में डबो खाओ चस देता है वो बड़ा देता है, मैं तो खा लेता हूँ। निकलता उसको पीसीस करते हैं, स्लाइस करते हैं, स्लाइसिंग बनाते हैं उसका, ये स्लाइस पे भी वही दिखाते हैं सामने कौन होती है कौन सी अच्छा ये टेंशन नहीं लो आप। अच्छा यहाँ इसका पूरा तवज्जो था कि कब सर बीच में चवली मारूं बस अच्छा अब यहाँ न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसने कहा जीरो टू थ्री फोर और ये पांचवा स्पेस के साथ इसने फाइव दिखा दिया। अब जितने पांच तक दिखाता है पांचवा दिखाता, ठीक है पढ़ा पढ़ा के ना जब कब बातें निकल जाती है जहन में करवाते हुए याद आ जाता है कि पांचवा आएगा, यानी कि देगा। ठीक है अगर ओ गायब हो गया, ठीक है बात समझ आ गई, क्लियर है। अब ये स्ट्रिंग का मैं इधर तोड़ना तोड़ो स्ला SLC स्टिक लगाता हूं स्टिक होगा बल खुद, तो ये कर दे रहा। अब स्लाइस जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स दूसरी वैल्यू 300, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अगर मैं सिंगल वैल्यू भी पास करूं तब भी दे देता है ये, और SLC प्रिंट कराऊंगा मैं क्या
एफ एल सी, यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, तो एन तक दे देगा। और टेन, तो वहां तक जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये 10 गिनना नहीं है आपने, ये याद रख लेना। जब भी मैंने पढ़ाया सर लिख तो रहा, 6 से शुरू करो, भाई 6 से 4 से जाएगा वो, ठीक है, 6 से आगे की तरफ जाएगा। तो आप ने कितने, और स्प्लिटिंग जो करना शुरू करेगा वर्ड्स, और ये इंडेक्स 0 पे ये है, दूसरे पे ये है, वो ये 0 और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे चल रहा है। ये है स्लाइसिंग का मेथड। इसके बाद इसके साथ और ये स्प्लिट में इनमें कोई ज्यादा सेम है, अगर यहां सेम, बोथ मेथड्स आर सेम और एक ही पर्पस के लिए यूज होते हैं। टू स्ट्रिंग, एरे के अंदर स्ट्रिंग का लिखा हुआ था, किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ऑफ वैल्यू सिर्फ वैल्यू स्ट्रिंग की प्रिंट कराने के लिए, बस सिंपल। क्या मैं अगर लिखूं ना स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, बस सेव करा यहां, और सॉरी वैल्यू ऑफ में ये ऐसे चलेगा, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही वैल्यू है, ये करा दो, बस खाली ये बोल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये मौजूद है यही। तो अगर ये लिखूं या इसकी जगह ये लिख दूं, एक ही रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। बात समझ आ गई। इन मेथड्स की थोड़ी अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बैठे आप लोग सिस्टम्स ऑन करें, आधा घंटा है, आराम से तसल्ली से जितना प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। क्या फंक्शन, दूसरी क्या टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद हाँ हाँ उसके बाद तीन कितने मेथड बताए, एक बताए क्या स्प्लिट स्लाइस टू टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ, ये ने देख लेने वन वन टाइम, और ये अगली क्लास में इनको यूज करना, ये रहे ठीक है। स्प्लिट सब स्ट्रिंग भी यही है, सब स्ट्रिंग भी देख लेना, सब एस टी आर आई एन जी सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। ओके क्लियर, ये चीज हमने यहां पर देखिए इसलिए बताया ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख ले। और ये स्ट्रिंग के सारे मेथड हो गए हमारे, तो ये देख लेना वेरिएबल और ये इवेंट से स्टार्ट करेंगे। ये अब थोड़ा इतना लंबा कोर्स नहीं है, अब मेजर मेजर चीजें अब यूज करने हैं, काम की चीजें, काम टू काम की चीजें। ठीक है भाई, चलें इंशाल्लाह मिलते हैं, बैठें भाई प्रैक्टिस करें आप लोग।